नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और बोले भारत की खास पेशकश बोले बिहारी को लेकर मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव होना है, 24 सीटों पर ये चुनाव होना है और इसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं वो मतदान करेंगे। और कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। कई बार मुकेश सहनी का भी बयान आया, कई बार हम के प्रमुख जीतन राम मांझी का भी बयान आया था, लेकिन अंदर खाने बातें हो रही थी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज वो गतिरोध खत्म हो गया, अंततः यूं कहे कि फाइनली जो घोषणा होती है वो घोषणा हो गई। बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें घोषणा कर दी गई कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी। हम आपको बता दें कि 13 सीट भाजपा के खाते में गए हैं, वहीं 11 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गए हैं। भाजपा के 13 सीट में से एक सीट पशुपतिनाथ पारस को दिया गया है। आइए हम सबसे पहले आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक दिखाते हैं जिसमें भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वार्ता हुई और आने वाले समय विधान परिषद के चुनाव में दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं, पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया, आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। जो जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, नौवां सहरसा, दसवां गोपालगंज, ग्यारहवां बेगूसराय, बारहवां समस्तीपुर, तेरहवां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, दसवां नवादा, ग्यारहवां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग
जीतेंगे। दिखा दीजिए सर, क्या दिखा दें? ये बाद में दिखा दें। अच्छा बाद में दिखा। और अरे दे ही देंगे, दे ही देंगे, इसीलिए तो हम पढ़ दिए। और कोई विषय कहना है किसी का? कोई किसी का, किसी का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी जी ने कह दिया। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। विश्वास में लेंगे, हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना। ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। मुकेश सैनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। वो जहां सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सैनी जी? वो अभी आज का विषय नहीं, अभी तो विधान परिषद की बात। आज विधान परिषद की, आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? नाराज नहीं हो देंगे? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज हो बताइए। और कोई प्रश्न? हाँ जी, समय आने पे कर देंगे। शिक्षकों पर शराब माफियाओं से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, सारे दलों की सहमति है इसमें? सबसे पहले तो भले आपने प्रश्न पूछे ही दिया, तो शिक्षकों को शराब माफियाओं से लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कराने की स्थिति नहीं बननी चाहिए, बात साफ है। तो आपने सुना कि किस तरह से दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है और सीटों का बंटवारा भी हो गया है। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी जो 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो सीट हैं रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय और समस्तीपुर। इन 12 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अब हम आपको वो 11 सीट बताते हैं जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू इन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट हैं पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी। वहीं वैशाली की सीट जो है वो पशुपतिनाथ पारस को दी गई है। अब एक बड़ा सवाल कि हम और वीआईपी भी एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन इस सूची में कहीं भी वीआईपी और हमको नहीं रखा गया है। हालांकि इसको लेकर भूपेंद्र यादव ने भी कहा और विजय चौधरी ने भी कहा कि हम अपने घटक दलों को विश्वास में लेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कब विश्वास में लेंगे। इससे पहले ही मुकेश सहनी का बयान आ चुका है कि अगर उन्हें सीट नहीं मिलता है, अगर एनडीए गठबंधन में उन्हें एमएलसी की एक भी सीट नहीं मिलती है, तो वो 24 की 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। हालांकि मुकेश सहनी पहले से ही बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जनसभाएं की और योगी सरकार को निशाने पर लिया। वहां उन्होंने 165 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा भी कर दी और कई उम्मीदवारों की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है, उस पर भी इसका असर दिखा और एनडीए ने मुकेश सहनी के नाम की घोषणा नहीं की, मुकेश सहनी की पार्टी की घोषणा नहीं की और ना ही एक भी सीट उन्हें देने की बात कही है। हालांकि इतना जरूर कहा है कि वो अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, लेकिन अब वो मौका शायद हाथ से चूकता नजर आ रहा है क्योंकि पहले से ही मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। वहीं बात करें हम की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो जीतन राम मांझी हैं, उनके नाम की भी चर्चा नहीं की गई है।
बस सिर्फ इतना कहा गया है कि उन्हें भी विश्वास में लिया जाएगा और विश्वास में लेकर गठबंधन अपना काम करेगी, आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन इनका नाम भी नहीं लिया गया है। ये भी लगातार शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते आए हैं और शराबबंदी पर सवाल खड़े करते आए हैं। शायद इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा है क्योंकि इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। या ये भी हो सकता है कि जेडीयू अपने कोटे से एक सीट जीतनराम मांझी के नाम कर सकती है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये कहा गया है कि उन्हें भी विश्वास में लेकर पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। जिस तरह से पिछले दिनों जीतनराम मांझी लगातार नीतीश सरकार के शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे थे, आग उगल रहे थे, उससे साफ लगता है कि अब ये असर देखने को मिला है कि इस सूची में उनका नाम नहीं है। वहीं बीजेपी के खिलाफ लगातार मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में की सभाओं में बोलते आए हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था अगर MLC चुनाव में उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वो 24 की 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई के समान हैं। तो अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि MLC चुनाव में जिस तरह से NDA ने हम और VIP को एक भी सीट देने की घोषणा नहीं की है, ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि बीजेपी और JDU कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा उलटफेर हो, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी NDA से निकलकर महागठबंधन का हिस्सा बने। अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा खामियाजा दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो BJP हो या फिर JDU, यहां तक कि बिहार की सरकार भी गिर सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से BJP और JDU ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता जारी कर लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, और इस सूची में अगर उन्होंने मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी का जिक्र नहीं किया है तो जरूर इनकी कुछ आगे की रणनीति तय होगी। जिस रणनीति के तहत ये सूची जारी की गई है वो आने वाले संकट को भांपते हुए, आने वाली राजनीतिक उलटफेर को भांपते हुए उन्होंने ये फैसला लिया होगा, क्योंकि BJP एक बड़ी पार्टी है। बिना सोचे समझे BJP और JDU ने ये फैसला नहीं लिया होगा। हालांकि आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी। अब बात करते हैं महागठबंधन की, तो खबर ये आ रही है कि महागठबंधन भी पूरी तरह से अपनी सूची, उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रखी है, बस उसकी आधिकारिक घोषणा करनी बाकी रह गई थी। महागठबंधन ये इंतजार कर रही थी कि कब NDA की तरफ से उम्मीदवारी की घोषणा हो, NDA की तरफ से सीटों की शेयरिंग पर जो है वो सहमति बन जाए, सीट शेयरिंग को लेकर के उनकी घोषणा हो जाए, उसके बाद महागठबंधन से भी ये जारी कर दिया जाएगा कि आखिर महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो कितने सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर महागठबंधन खेमे में भी पूरी तैयारी हो चुकी है। हो सकता है कि कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद ये घोषणा की जाए कि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, CPI किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किनके खाते में कितनी सीट जाएगी। तो MLC चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, साथ ही आगे होने वाले राजनीतिक उलटफेर को भी हम बारीकी से देखेंगे और खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बोले बिहारी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और मुद्दों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।